तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 to 8 के लिए जो मिशन बुनियाद में हमारा गणित बुक मिली हुई है उसमें डे 14 के सॉल्यूशन को। इससे पहले डे 1 to 13 अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करके देख लो। साथ में जो हिंदी कहानी की बुक मिली हुई है उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखो ध्यान से, ताकि समझ में आ जाए, किसी प्रकार का डाउट ना रहे। क्वेश्चन नंबर 1, फातिमा, गीता और जॉन दोस्त हैं, वे सभी निम्न वस्तुओं को आपस में बराबर बांटना चाहते हैं। नीचे दी गई वस्तुओं को उनमें बराबर बांटें। जैसे एग्जांपल एक बताया गया है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर 9 लिखा गया है, कितने भागों में बांटना है? 3। फातिमा, गीता, जॉन 3 है तो 3 भागों में, तो यहाँ पर 3 से भाग किया गया है, तो 3 3 9 3 आ गया। इसी प्रकार आगे हमें करना है, ठीक है। तो ध्यान से समझना है, काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 लिखा, 3 भाग में बांटेंगे तो भाग का निशान 3, कितना आएगा, 3 2 6 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगला काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 लिखा, 3 भागों में बांटेंगे तो भाग का निशान 3 बराबर 3 4 12 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ लिखा है बराबर बराबर बांटें 5 दोस्तों में। तो एग्जांपल दिया गया, काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, 20 हैं। तो 5 दोस्तों में, तो यहाँ पर लिखा है 20 को 5 से भाग किया गया, कितना आ गया, 4, 5 4 20, ठीक है। इसी प्रकार हमको बाकी का करना है। तो ध्यान से देखो, सेकंड सेकंड में 4 दोस्तों में बांटें, अब काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 लिखा, 4 से भाग करेंगे, 4 3 12, तो मतलब हर दोस्त को 3 से मिलेंगे, ठीक है, 3 आ जाएगा। अगला थर्ड देखो, 3 दोस्तों में बांटें, तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लिख दिया, 3 से भाग करेंगे तो 3 3 9, 3 आम मिलेंगे हर दोस्त को, ठीक है। अगला चौथा, 6 दोस्तों में बांटें, तो पहले काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 लिख दिया, 6 दोस्तों में बांटेंगे, 6 से भाग करेंगे, 6 3 18 3 आएगा, तो हर दोस्त को 3 गेंद मिलेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप फिल कर लो, ठीक है। अगला देखो, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर लिखा है नीचे दी गई आकृतियाँ एक संख्या दर्शाती हैं, क्या आप उन संख्याओं को ढूंढ सकते हैं? ध्यान से देखो, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है 4, तो अगर हम 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, तो हम समझ गए इसकी वैल्यू 2 है। कितनी है? 2 है। अब यहाँ पर फिर से, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, 2 लिख दिया, समझ गए। आगे देखो, अब इसकी वैल्यू 2 है और यहाँ पर दिया है 12, तो 2 का पहाड़ा बोलो 12 कितने पे आएगा, 6 पर, तो मतलब इसकी वैल्यू 6 हो गई, तो इसकी वैल्यू हम 6 लिख देंगे। इसी प्रकार आगे देखो, इसकी वैल्यू 2 है, लिख दिया, यहाँ पर 6 लिखा है, तो 2 से 6 को भाग करो, 2 3 6, तो इसकी वैल्यू 3 आ गई, तो हम लिख देंगे 3, ठीक है। आगे देखो, इसी प्रकार इसकी वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो ये भी 6 लिख दिया, और इसकी वैल्यू यहाँ पर 3 है, 3 हो गया, 6 3 18 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर इसकी वैल्यू 6 है, तो ये 6 हो जाएगा, इसका पता नहीं है, यहाँ पर 24 दिया है, तो 6 का पहाड़ा बोलो 24 कितने पे आएगा, 6 चौक 24, 4 पर, तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, 4 लिख दिया, ठीक है, समझ गए। इसी हिसाब से हम इसको पूरा एक दूसरे को सॉल्व करके इसका मान लिख देंगे, ठीक है, समझ गए। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4, लिखा है 15 मछलियों को 3 टैंकों में बराबर संख्या में डालें। अब देखो 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कह रहा है 3 टैंकों में, तो हम 15 को 3 से क्या कर लेंगे, भाग, ठीक है, कितना आएगा, 3 5 15 5 आ गया, तो मतलब यहाँ पर 3 टैंक बनाए गए हैं, तो कहने का मतलब पहले टैंक में भी 5, दूसरे में भी 5, तीसरे में भी 5 मछलियाँ होंगी, ठीक है। और नीचे हम लिख देंगे यहाँ पर हर टैंक में कितनी मछलियाँ आई, 5, ठीक है,
तो इजी क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया। ऐसे ही इसको आपको करना है, सॉल्यूशन यहाँ पर लिख लेना, साइड में मैंने लिखा है, ठीक है। तो इसी के साथ डे 14 कंप्लीट है। कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।